क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ललित ने तुमसे क्या कहा, बोलो ना बेटा। ललित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसका खून हुआ था। क्या? मुझे तो लग ही रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है। पर बेटा, मेरे ललित को मारा किसने? का फोन हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोना। लगता है सिमी आ गई। सिमी आ गई तो क्या क्या कहा शांति देवी ने? शर्म आनी चाहिए तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी से मैंने शादी की वो एक खूनी निकलेगा। खूनी? ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ देख लिया है मैंने। ललित ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। ललित की मौत के जिम्मेदार हो तुम। तुमने मारा ना ललित को? ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त था ना। ये तो मैं जानना चाहती हूँ। क्यों किया तुमने इसे? क्यों शुभम को तुमने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए कही? क्यों? हाँ, वो मैंने सच बताओ, कहीं ये सब तुमने उन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए तो नहीं किया जो ललित मेरे लिए छोड़ गया? तुमने मुझसे शादी सिर्फ उन पैसों के लिए तो नहीं की ना? नहीं सिमी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने... और इसलिए तुमने अपना प्यार पाने के लिए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मार डाला मेरे ललित को, मार डाला। अरे वो ललित तुम्हारे लायक नहीं था। हर वक्त तुम पे शक करता रहता था। किसी और लड़के ने तुमसे बात क्या कर ली उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ललित से बचाया। ललित जैसा भी था प्यार करता था मुझसे,
मैं भी उससे प्यार करती थी। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम उसकी जिंदगी उससे छीन लो? देखो सिमी, सिमी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी लेकिन अब इस गलती को बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, उस ललित से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। चलो बस, चलो ना एक नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अब जेल में होगी, सुना तुम? जेल सब कुछ जान चुकी थी लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अपने पुलिस को फोन करके बता दूंगी कि तुम एक खूनी हो, खूनी हो तुम, खूनी। तुम मुझे जेल भिजवाओगे, फांसी पे चढ़वाओगे मुझे? तुम्हारी ये हिम्मत? पुलिस में पकड़वाओगी? दर्शन क्या कर रहा है? पुलिस में दर्शन, जहाँ ललित गया ना वहीं तुम्हें क्या चाहिए? सिमी, दर्शन पुलिस को बुलाएगी, जेल भिजवाएगी, मुझे फांसी पे चढ़ाओगी। दर्शन मुझे छोड़ दो, छोड़ दो दर्शन। तुम लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी जला दिया था ना, Thank you.
रिसेप्शन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगूंगी।